अगर आपको सूजी का हलवा दानेदार और खिला हुआ नहीं बनता है तो ये रेसिपी आपके लिए है। इसमें वो सारे टिप्स हैं जिसे फॉलो करने के बाद अगर आप इसे पहली बार भी ट्राई कर रहे हो तो ये बहुत ही अच्छी बनेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कश्यप्स किचन चैनल। आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा जो बहुत ही ज़्यादा खिला हुआ और दानेदार बनेगा, और वो भी सिर्फ 4 इन्ग्रीडियंट्स के साथ। तो रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इसके लिए एक पैन में आधा कप घी गरम करेंगे। अगर आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रहे हैं हलवा में तो इस स्टेज को फॉलो कीजिए, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बादाम, काजू और किशमिश ले लिया है। बादाम और काजू को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा हलवा में। तो लो फ्लेम पर इसे लगभग आधे मिनट के लिए बीच में चलाते हुए फ्राई कर लीजिए, बहुत ही अच्छा सुनहरा कलर आ जाएगा। तो इस तरह से मिक्स करते हुए इसे भून लेंगे हम। तो यहाँ पे आप देखिए इसका कलर चेंज हो गया, तो अब इसे बाहर निकाल लेते हैं और इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। अब सेम पैन में हम ऐड करेंगे 1 कप सूजी। हलवा बनाने के लिए बारीक सूजी का इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही अच्छा हलवा बनके तैयार होता है। अब सूजी को हमें लो फ्लेम पे तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे और इसका कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो सूजी को लगातार चलाते हुए हम भूनेंगे लो फ्लेम पे। आंच बिल्कुल कम रखिए तो सूजी बहुत ही अच्छी तरह से भून के तैयार होंगे। तो 5 मिनट हो गया इसे भूनते हुए, हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ है, ये देखिए। इसे हमें और भूनना है और यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छा कलर आ गया है, बिल्कुल हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर हमें चाहिए था। तो 10 मिनट हो गया इसे भूनते हुए, तो ये तैयार है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे जिसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पे चीनी। तो आधा कप चीनी ऐड करके इसे लगभग 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भूनिए सूजी के साथ। अक्सर चीनी हम ऐड करते हैं दूध या पानी डालने के बाद, लेकिन इस स्टेप को फॉलो करने के बाद आप देखेंगे कि कितना दानेदार हलवा बनके तैयार होता है। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, 1 मिनट काफ़ी है। इसके बाद अगर आप पानी ऐड करना चाहें तो वो डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं दूध ऐड कर रही हूँ, तो जितना सूजी आप ले रहे हैं उसका 2 गुना दूध या पानी ऐड कीजिए। आप चाहें तो 1 कप दूध या 1 कप पानी भी डाल सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। अब सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूध डालने से हलवा थोड़ा सा रिच बनता है। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। अब डालेंगे इसमें फ्लेवर के लिए 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर। आप चाहें तो केसर भी ऐड कर सकते हैं, उससे कलर भी अच्छा आ जाएगा और टेस्ट तो अच्छा आता ही है। सबको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया। हल्का सा बॉयल आने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पे हम कवर कर देंगे और तब तक कवर करते हुए इसे पकाना है जब तक कि दूध पूरी तरह से सूख ना जाए। तो कवर कर दिया इसे, लगभग 5 मिनट के बाद हम एक बार इसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा खासा बॉयल आ गया है और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखा है मैंने। और लगभग 6 से 7 मिनट के बाद लिड हटा के चेक किया मैंने, तो पूरी तरह से सूजी ने दूध को पी। तो लगभग 7 मिनट हो गया इसे कवर करते हुए। अब बिना कवर किए हुए हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच। और यहाँ पर थोड़ा सा दूध इसमें अभी भी है, वो पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा और हलवा का टेक्स्चर आप उसके बाद देखेंगे कि बिल्कुल खिला हुआ दानेदार सा बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से ये ड्राई हो चुका है। 2 मिनट से मैं इसे भून रही हूँ मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई करके रखा था। और यहाँ पे आप इसका टेक्सचर देखिए, तो बहुत ही खिला हुआ हलवा बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं ड्राई फ्रूट्स, किशमिश भी डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसे पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं, तब भी हलवा बहुत ही सुंदर बनता है, बहुत ही टेस्टी बनेगा। सबको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए लगभग आधे मिनट के लिए भूनिए। और अभी मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाऊंगी कि कितना खिला हुआ, एक एक दाना अलग है इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना दानेदार और खिला हुआ हलवा हमारा बनके तैयार हुआ है। बस दूध और पानी की क्वांटिटी ध्यान में रखिए, जितना सूजी ले रहे हैं उसका 2 गुना दूध या पानी ऐड कीजिए। घी की क्वांटिटी सूजी से आधी होनी चाहिए, हलवा बहुत ही अच्छा बनेगा, ये देखिए। तो यहाँ पे इसे हमने सर्व कर लिया है। आप चाहें तो इसे गर्मा गर्म या फिर ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेज़रमेंट का ख्याल रखेंगे तो पहली बार में ही आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से बना के सर्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से ट्राई कीजिए, आप देखेंगे कितना दानेदार और शानदार हलवा बनके तैयार होता है। तो रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रेसिपी का इन्ग्रीडियंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।